गुड मॉर्निंग एवरीबडी. स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट एवियर्स चैप्टर 8 अवर फेस्टिवल्स. इस चैप्टर के मैंने हार्ड वर्ड्स आपको बोर्ड पे लिखवा दिए हैं. अभी इसका चैप्टर इनकम्प्लीट है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करवाऊंगी. ठीक है. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली क्या है? कलर का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है. इट इज जनरली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. वो जनरली मार्च महीने में ही आता है. इट सेलिब्रेट्स द बर्निंग ऑफ होलिका. एक इसमें है जो होलिका नाम की थी, उसने क्या किया था? ये होलिका वांटेड टू बर्न हर नॉबल एंड गॉड लिविंग नेफ्यू प्रहलाद. जो भक्त था प्रहलाद, उसको क्या किया वो है ना, होली में लेके बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया. प्रहलाद वॉज सेव बट होलिका गॉट बर्नड इन द फायर. होलिका फायर में जल गई. शी वॉज फनिश फॉर हर विल डेट्स. ऑन दिस डे पीपल अप्लाई गुलाल ऑन द फेसिस ऑफ ईच अदर. लोग अपने लोग इस दिन क्या करते हैं, होली के दिन एक दूसरे के मुँह पे गुलाल लगाते हैं. दे ऑल्सो स्प्रे कलर्स, और कलर भी स्प्रे करते हैं, छाटते हैं. दे सिंग एंड डांस और गाते हैं. अभी नेक्स्ट क्या आया? गुरुपर्व. गुरुपर्व इज सेलिब्रेट बाय द सिक्स टू मार्क द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरु. सिक्स डेकोरेटेड देयर हाउसेज एंड गुरुद्वारास. सिख लोग क्या करते हैं? हाउसेज एंड गुरुद्वार. दे लिसन टू द गुरबानी फ्रॉम देयर होली बुक. गुरु ग्रंथ साहिब बिग प्रोसेशंस आर ऑल्सो टेकन आउट ऑफ गुरुपर्व. दे ईट इन अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर. हार्वेस्ट फेस्टिवल. कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग पीपल सेलिब्रेट दिस इवेंट्स. उस हार्वेस्टिंग किसको बोलेंगे? कटिंग, जो कटिंग एंड गैदरिंग करते हैं कट और क्रॉप्स को, फूड क्रॉप्स को, इसको उसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोलोगे. अभी पीपल सेलिब्रेट दिस इवेंट्स दिस फेस्टिवल्स, देयरफॉर दिस फेस्टिवल्स आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. पोंगल. अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं? पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. ये कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी. ये जनवरी महीने में 3 days मनाया जाता है. द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कॉल्ड भोग पोंगल. इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द रेन गॉड. वो क्या उस दिन क्या करते हैं? फर्स्ट डे भगवान मीन्स जो रेन गॉड होते हैं ना, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं बारिश के लिए. द सेकेंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल. इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द सन गॉड. उस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं. द थर्ड डे इज कॉल्ड मटू पोंगल. द काउज वर्शिप ऑन दिस डे. अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल. उस दिन वो लोग स्पेशल डिश क्या बनाते हैं? राइस इज प्रिपेयर फ्रॉम न्यूली हार्वेस्ट राइस एंड जैगरी, गुड़ और राइस का. ओनम. ओनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्ट ऑफ केरल. इट इज सेलिब्रेट फॉर 4 days, मंथ ऑफ ऑगस्ट और सेप्टेम्बर. कौन से महीने में? ऑगस्ट और या सेप्टेम्बर महीने. 4 days मनाते हैं. पीपल लिव दैट एवरी ईयर देयर ग्रेट किंग महाबली विजिट्स द किंगडम ड्यूरिंग दीज डेज. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू शो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री. हम अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए मनाते हैं. नेशनल फेस्टिवल स्टैंड फॉर अवर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. इंडिपेंडेंस. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. इंडियन गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. हम अंग्रेजों के इसमें से क्या हुए थे? आज़ाद. किस दिन? 1947 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे. द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे इज द हेल्ड इन हिंदी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग. उस दिन क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे दिल्ली में. एट इज द नेशन. इन स्कूल द चीफ गेस्ट हॉइस्ट द. हमारे स्कूल में भी नेशनल फ्लैग क्या करते हैं? होस्ट करते हैं. और कोई गेस्ट आता है वो दिस वी सिंग द नेशनल. और हम नेशनल एंथम गाते हैं जनगण मन. ठीक है. नेक्स्ट गांधी जयंती. गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर एवरी ईयर. ऑन दिस डे इन 1860 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न पोरबंदर. महात्मा गांधी का बॉर्न कहाँ हुआ था? पोरबंदर. 2 अक्टूबर को. ठीक है. वी लविंग कॉल हिम. हम उनको प्यार से लोग उनको क्या बुलाते हैं? बापू नाम से बुलाते थे. रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट. हम किस दिन मनाते हैं प्रजासत्ताक दिन? 26 जनवरी. इट वॉज ऑन दिस डे इन द 1950 दैट इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. इट मीन्स अवर कंट्री गॉट कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स अ सैल्यूट फ्रॉम अवर सोल्जर्स.
Children from various schools perform dances in colorful dresses. Where children are honored and awarded, the main function is held at Rajpath in New Delhi. चलो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके अभी हार्ड वर्ड्स मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं, आपको ये करने हैं. वन टाइम नोटबुक में और क्लास वर्क की बुक में, दोनों में लिख के लाना है. ठीक है, चलो थैंक यू.